दोस्तों आईपीएल 2024 का मैच नंबर 46 जो कि एक तरफ सनराइजर्स हैदराबाद होगी तो वही दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स। अब चेन्नई सुपर किंग्स लगातार दो मुकाबले हार कर आई है और दोनों लखनऊ सुपर जायंट्स से हारी है और ऐसे में कहीं ना कहीं अब जो टॉप फोर में जाने की उम्मीद जो है थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। सीएसके को अगर टॉप फोर में जाना है तो एसआरएच को हर हाल में हराना होगा, क्योंकि सीएसके की बात करें तो अब तक 8 मैच खेले हैं, सिर्फ 4 ही जीते हैं। अगर एसआरएच की बात करें तो वह भी अपना पिछला मुकाबला हार कर आई है दिल्ली कैपिटल के साथ और उनकी सिचुएशन थोड़ी बेटर है एज कम्पेयर टू सीएसके, क्योंकि उन्होंने 8 मैच में 5 जीती है। तो ऐसे में दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या हो सकता है, चेन्नई के चेपक में यह मुकाबला खेला जाएगा, वहां के पिच रिपोर्ट क्या कहती है और साथ ही साथ वेदर कैसा है और हेड टू हेड में कौन आगे है, किसका पलड़ा भारी है, वो भी हम बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि क्रिकेट से जुड़ा हर खबर आपको यहां पे देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की। अब सीएसके लगातार दो मुकाबले हारी है लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ ही एक ही टीम के साथ, लेकिन इसकी खास बात क्या है कि जब अपने घर पे हो तो ये टीम अच्छी करती है, लेकिन पिछला मुकाबला चेन्नई में ही हारे हैं लखनऊ के खिलाफ और यह मुकाबला चेपक स्टेडियम में खेला जाएगा। तो ऐसे में सीएसके का जो पॉसिबल प्लेइंग 11 है वो कुछ इस प्रकार हो सकती है। चेन्नई की पॉसिबल प्लेइंग में नजर डाले तो अजिंक्य रहाणे, ऋतुराज गायकवाड़ जो कि कप्तान होगा इस टीम का, पिछले मैच में आउटस्टैंडिंग पारी खेली थी, डेरिल मिचेल, मोइन अली, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, एमएस धोनी जो कि विकेट कीपर है, दीपक चाहर, तुषार देशपांडे, मुस्तफिजुर रहमान, मथीसा पथिराना, पॉसिबल प्लेइंग 11 जो सीएसके की है उनमें कहीं ना कहीं बॉलिंग के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पिछला मुकाबला आपको याद होगा जब मार्कस स्टोइनी ने सिंगल हैंडली वह मैच जिता दिया था और इस टीम को वहां पर बड़ी पिटाई हुई थी। मुस्तफिजुर रहमान की तो मानो लाइन लेंथ बिगाड़ दिया था, वह स्पिनर जो कि बीच के ओवर में विकेट्स नहीं निकाल पाए थे। तो ऐसे में अब देखा जाए तो पिच स्पिनर के लिए अनुकूल रहती है, लेकिन यहाँ पे बीच के ओवर में विकेट्स निकालने पर इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो महेश तीक्ष्णा हो चाहे रविंद्र जडेजा, इनफैक्ट मोइन अली क्यों ना हो, उनको बीच के ओवर में विकेट्स निकालने पड़ेंगे और बैटिंग में देखा जाए तो अजिंक्य रहाणे ओपन करते हैं तो उनको रन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ तो अच्छे फॉर्म में है ही, लेकिन कहीं ना कहीं उनको एक यूनिटी और पोटेंशियल के साथ खेलना होगा सीएसके को। लेकिन दूसरी तरफ एसआरएच है, अगर पिछला मुकाबला छोड़ दे तो लगता है कि ये टीम बिंदास क्रिकेट खेला है, उनकी बैटिंग में दमखम है। तो एसआरएच की जो पॉसिबल प्लेइंग 11 है वो कुछ इस प्रकार हो सकती है, जैसे अभिषेक शर्मा, इडन मार्करम, हेनरी क्लासेन, अब्दुल समद, नीतीश रेड्डी, शहबाज अहमद, पैट कमिंस जो इस टीम के कप्तान होंगे, जयदेव बुनाडकर, भुवनेश्वर कुमार, मयंक मरकांडे और टी नटराजन। दोस्तों आपने देखा होगा कि इस टीम में जो पॉसिबल प्लेइंग 11 है उसमें ट्रेविस शेड का नाम नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो इम्पैक्ट खेलते हैं, पिछले मैच में आपको याद होगा एज ए इम्पैक्ट आए थे और कुछ खास नहीं कर पाए थे, पहले ओवर में ही आउट हो गए थे और वहां पर कहीं ना कहीं जो मुकाबला था वो उम्मीद थी कि भाई अभिषेक और ट्रेविस शेड साइड का तूफान आएगा, लेकिन ये दोनों जल्दी आउट हो गए थे। हालांकि अभिषेक ने बड़ी पारी खेली थी। अब बात करते हैं पिच रिपोर्ट की, तो यह मुकाबला चेन्नई के एम एच चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। यहाँ की पिच की बात करें तो गेंदबाजों के लिए काफी अनुकूल मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर स्पिनर को अच्छा टर्न और बाउंस मिलता है, वही तेज गेंदबाजों को इस पिच पर पेस में बहुत ज्यादा वेरिएशन करने को अच्छा मौका मिलता है, जिससे बल्लेबाजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस मैदान की एवरेज स्कोर की बात करें तो इस मैदान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए पारी का एवरेज स्कोर वो 150 रनों का है और चेज करने में केवल 119 रनों का है। अगर आंकड़े की माने तो यहाँ पे बल्लेबाजी करने वाली टीम को ज्यादा सक्सेस मिली है, इसलिए हमारे हिसाब से यहाँ पे जो भी कैप्टन टॉस जीतेगा पहले बल्लेबाजी करने का फैसला ले सकता है। तो आपने देखा कि पिच रिपोर्ट में थोड़ा सा टर्न और बाउंस होगा स्पिनर के लिए, तो ऐसे में थोड़ा सा गेंद फंस के आएगा, यहाँ पे जिसका सॉलिड फुटवर्क होगा वो टेम्परामेंट अच्छा होगा वही बड़ी पारी खेल सकता है। जैसे कि ऋतुराज गायकवाड़ है, अगर उस तरफ से देखेंगे तो एडन मार्करम भी अच्छे रन बना सकते हैं, तो दोनों के पास कहीं ना कहीं वह दमखम है कि अगर स्पिन वर्सेस स्पिन देखा जाए तो मयंक मार्कांडे एक तरफ होंगे तो दूसरी तरफ रविंद्र जडेजा, महेश तीक्ष्णा होंगे। आई थिंक स्पिन कंपैरिजन में सीएसके आगे है, वह थोड़ा मुझे बेटर लगता है क्योंकि रविंद्र जडेजा अच्छा स्पिन करते हैं और उनके आंकड़े भी अच्छे हैं इस मैदान पे। तो ऐसे में सीएसके थोड़ी आगे है स्पिन डिपार्टमेंट में और घर पे मैच हो तो फिर यह टीम और अच्छा खेलता है। बात अगर वेदर की करे तो रविवार 28 अप्रैल को चेन्नई का जो तापमान है वो 28 से 36 डिग्री के आसपास रहने की उम्मीद है। बढ़ती नमी के कारण मैच में ड्यू फैक्टर देखने को मिल सकता है और यहाँ पे मैच में बारिश की कोई भी संभावना नहीं है। ऐसे में फैंस को दोनों टीमों के पूरे 40 ओवर का एक्साइटिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है, यानी कि एक बात तो साफ है कि मौसम कोई असर नहीं करेगा इस मैच में और एक अच्छा मुकाबला देखने को मिल सकता है। दोनों टीमों में पावर हीटर आपको नजर आएंगे, एक तरफ शिवम दुबे होंगे तो दूसरी तरफ क्लासेन होंगे। ये भी एक एक्साइटिंग रहेगा कि शिवम दुबे का बल्ला चलेगा फिर हेनरी क्लासेन का बल्ला चलेगा। और ओपनिंग अगर आप देखोगे मुझे बेटर लगते है एसआरएच, क्योंकि यहाँ पे कौन है, ट्रेविस शेड है, अभिषेक शर्मा है और यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ है जो अच्छा कर रहे हैं।
है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसके साथ जो साथी खिलाड़ी है अजिंक्य रहाणे, उनको अच्छी पारी खेलनी पड़ेगी। अगर वह ओपन करते हैं तो रविंद्र जडेजा को अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है। ऊपर से जडेजा ने अच्छी पारी खेली थी पिछले मुकाबले में, ऋतुराज गायकवाड़ और जडेजा के बीच अच्छी पार्टनरशिप भी हुई थी और दोनों ने स्कोर को अच्छा खासा बनाया था। तो ऐसे में जडेजा और ऋतुराज गायकवाड़ पर सबकी नजरें रहेगी। सीएसके वर्सेस एसआरएच आईपीएल में हेड टू हेड रिकॉर्ड पर नजर डाले तो कुल 20 मुकाबले दोनों टीमों के बीच खेले गए हैं, जिसमें चेन्नई ने 14 मैच जीते हैं और हैदराबाद ने केवल 6 मुकाबले जीते हैं। सीएसके यहां पे थोड़ा आगे है, सीएसके ने 14 मैच जीते हैं और एसआरएच ने सिर्फ 6 मुकाबले जीते हैं, तो एसआरएच के लिए कंसर्न है। हालांकि एसआरएच के लिए जो पैस अटैक है वो खासकर भुवनेश्वर कुमार, इनकी परफॉर्मेंस खास नहीं है। आउट स्विंग और इन स्विंग कई बल्लेबाजों को चकमा देते थे, एज लगने के चलते बैट्समैन आउट भी हो जाते थे और पावर प्ले में विकेट लेना इनको सबसे बड़ा हथियार माना जाता था, क्योंकि इस गेंदबाज के पास वेरिएशन थी नकल बॉल करने की और थोड़े आगे करते थे। लेकिन इस बार भुवनेश्वर कुमार लेंथ में भी छोटे रखते हैं और थोड़े सहमे सहमे से नजर आ रहे हैं और बड़ी पिटाई होती है। भुवनेश्वर कुमार की इकोनॉमी अगर आप देखोगे तो इस बार बहुत ही खराब है। भुवनेश्वर कुमार को अच्छा करना पड़ेगा इस मैच में और पैट कमिंस को भी अच्छे विकेट लेने पड़ेंगे। और चेन्नई को चेन्नई में हराना है तो एसआरएच को कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा। एक्साइटिंग रहेगा देखना, रविंद्र जडेजा इस मैच में एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं और जब घर पे मैच हो तो साइकोलॉजिकल जो एडवांटेज है वो सीएसके के पास है। लेकिन सीएसके उनके लिए मैच कहीं ना कहीं दिशा और दशा दोनों तय कर सकती है। अगर उनको टॉप फोर में जाना है तो हर हाल में मैच जीतना होगा। और क्या एसआरएच को हरा पाएंगे, आपको क्या लगता है? हमने दोनों टीमों की प्लेइंग 11 बताई, पिच रिपोर्ट बताई, बताइए आपको क्या लगता है कौन सी टीम बाजी मारेगी? क्या सीएसके जीतेगी या फिर एसआरएच जीतेगी? चेन्नई को चेन्नई में हराना टफ चैलेंज है, लेकिन एसआरएच कर सकती है। जैसे उन्होंने अब तक क्रिकेट खेला है अगर देखा जाए तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है उनकी, तो मुझे लगता है कि सीएसके बाजी मार लेगा। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि सीएसके जीतेगी या फिर एसआरएच। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।